जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज, तो एवरेज में हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं और हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। बाकी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ से नया पैटर्न शुरू होता है। इस सवाल से नया पैटर्न शुरू होता है, इस पैटर्न के सवाल को कैसे करेंगे चलो देखते हैं। सवाल कह रहा है कि 9 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 35। यानी कि जो 9 प्रेक्षण मतलब प्रैक्टिकल, 9 प्रैक्टिकल का जो एवरेज है, प्रैक्टिकल काहे लिखे, डायरेक्ट एवरेज नहीं लिख दी, कुछ भी हो, 9 पारी हो, 9 पारो हो, 9 देवदास हो, कुछ भी हो, इनका एवरेज कितना है, 35। इनका एवरेज कितना है? बाद में पता चला कि प्रेक्षण को 81 से गलती से क्या पढ़ लिया, 18, तो प्रेक्षण का सही औसत क्या। मेरी बात सुन, अरे सुन लो, सवाल को करने से पहले आप मेरी बात को समझो। आप दुकान पे गए सामान लेने, क्या लेने गए? आप दुकान पे सामान खरीदने गए और एक चीज़, एक बुजुर्ग चचा बैठे थे, उन्होंने 81 को क्या पढ़ लिया, 18। यानी 81 रुपये का ये मोबाइल तो नहीं मिलेगा, 81 रुपये में ये मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, तुम कह रहे हो इलाव 81 रुपये दो और मोबाइल दो, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर मान लो इसका प्रिंट कितना था और चचा ने धोखे से पढ़ लिया 10 से 18, इतने का होता हो जाता थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, अरे कुछ भी, यहाँ उल्टा पढ़ लिया होगा कुछ भी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर इसका प्रिंट कितना है, प्रिंट कितना है, और चचा ने धोखे से पढ़ लिया 18, 81 को ऐसे पढ़ लो 18 दिखेगा, या कुछ भी पढ़ लिया, डजंट मैटर, आगे का पीछे हो जाता है थोड़ा बहुत, समथिंग समथिंग चलता है। तो एक बात बताओ, सुन लो, सुन लो, प्रिंट कितना था और पढ़ा कितना है, 18। यानी आपका फ़ायदा हुआ है, आपका फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ? मेरी बात को ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, कि 9 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 35। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पहले बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा, फिर इसको समझाऊंगा कि 9 लोगों का एवरेज कितना था, 35। तो 9 लोगों का सम यानी कि इनका जोड़, तो क्या 35 × 9 होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा भाई। 5 लोगों का एवरेज 7 है, 5 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है, 7 है। तो 5 लोगों का सम 35 होगा, नहीं होगा, होगा, क्योंकि एवरेज निकालने की टेक्निक क्या होती है, अगर 2+3+4 का एवरेज निकालना है तो कैसे निकालते हैं इनका एवरेज, 4 और 3 और 2 / 3, ये तो करते थे। यानी कि एवरेज निकालने के लिए सम को भाग करते थे संख्या से, सम को भाग कैसे करते थे, नंबर से करते थे, नहीं करते थे। और अगर सम निकालना है तो एवरेज गुणा कैसे करोगे, नंबर से करोगे, नहीं करोगे। तो 5 लोगों का एवरेज 7 था, तो 5 लोगों का सम कितना हो जाएगा, कोई तकलीफ तो ना है, बहुत अच्छे समझते हैं, बहुत बढ़िया। तो 5 लोगों का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 35 × 9, सुनो, 9 × 3 = 270 और 9 × 5 = 45, 270 और 45 = 315, कोई दिक्कत, सही है। यानी कि 9 लोगों का सम कितना था, जो सामान खरीद के लेके आए 9 आइटम, आप कितने आइटम खरीद के लेके आए थे, तो इनका कलेक्शन टोटल कितना देके आए, कह रहा है बाद में एक प्रेक्षण को गलती से 81 को क्या पढ़ लिया, 18। यानी कि उसका वैल्यू जो थी, सुनो, 315, एक जो आइटम था वो था कितने का, था कितने का, लेकिन पढ़ कितने लिए, 18, था 81 का और पढ़ कितने लिए, था तो 81 का लेकिन पढ़ा कितने का, ये तो मामला है। यानी कि आप 63 रुपये का फायदा कर चुके हो, आपके पास 63 आए कि उसके पास, आपके पास 63 एक्स्ट्रा आ गए, क्योंकि जो प्रिंट था ये प्रिंट था 81 रुपये, प्रिंट कितना था और उसने इसको दे कितने में दिया, 18 रुपये में, तो 63 रुपये का लोचा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप एवरेज को सही करना चाहते हो तो 63 रुपये उससे दोगे, 63 रुपये उससे लोगे, सोचो। मैं सवाल की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा आप 9 आइटम खरीद के लेके आए जिनका बिल बना था 315 रुपये, सुन लो, और ये बात नहीं समझ पाई तो समझ लो जिंदगी बहुत लोचा में है। 9 आइटम खरीद के लेके आए जो बिल कितने का बना, 315 का बिल बना, एक आइटम आपने देखा कि भैया इसका प्रिंट 81 था लेकिन चचा ने धोखे से कितना लग, 18। अगर आप बिल्कुल सही करना चाहते, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप बिल्कुल सही करना चाहते तो क्या करेंगे, 63 रुपये दे के आओगे कि कहोगे चचा 63 रुपये और दो, क्या कहोगे? हाँ, बहुत ध्यान से सुनना कि 9 लोगों का जो सम कितना है, 315। अगर आपको एवरेज को सही करना है, अगर आपको एवरेज को, तो क्या करोगे, 63 रुपये, तो कहोगे चचा तो 315 तो पहले दे चुके थे तुम, और आइटम तो 9 ही है, आइटम गड़बड़ थोड़ी हुए, आइटम तो
एक आइटम को 81 की जगह 18 पढ़ लिया। एक आइटम मैं पूरा प्रोफार्मा लिखूंगा फिर कहूंगा ये तुम्हारी बर्बादी है, उसको डायरेक्ट सवाल कराऊंगा। लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए कि 9 लोगों का एवरेज 35 था, तो 9 जो आइटम थे उनका सम कितना हो जाएगा, 315। अब एक आइटम को 81 से क्या पढ़ लिया है, अगर 81 की जगह 18 पढ़ लिया है और आप एवरेज को सही करना चाहते हो तो उसे 63 रुपये दे के आओगे या नहीं दे के आओगे? एवरेज को सही करना चाहते हो तो आप उसे 63 रुपये दे के आओगे या नहीं आओगे? कहोगे चचा तुम्हारे 63 रुपये और बचे, ये ले लो। सही बात है। तो तुम्हारे जो 9 लोगों का जो सम था वो हो गया 63 × 15 = 378। कितना हो गया? 300। लेकिन ये तो सम है ना, टोटल कलेक्शन है ना। लेकिन आप क्या निकालना चाहते हो? एवरेज। क्या निकालना चाहते हो? तो अगर 9 का जो एवरेज निकालना चाहोगे, अरे पेज खाली करो मोहम्मद आशिक, बटा 9 करोगे नहीं करोगे? करोगे या नहीं करोगे? तो क्या करोगे? 9 चौक और 9 दूनी, तो एवरेज कितना आया? 42। एवरेज कितना आया? ये वाली बात समझे, क्लियर हुई नहीं? क्या अब इसको भहीं की भहीं नस्ते नाबूद करना चाहते हो? अब इसको देना मिटा, इसको देना मिटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये वाली बात? सुनो, अब कहो अच्छा दिस इज रॉन्ग एवरेज, WRONG, और दिस इज राइट RIGHT। तो 9 लोगों का अगर एवरेज शुद्ध करना, एवरेज था कितना भैया? उसका प्रिंट था 81 दिए हैं 18, तो 63 और देना पड़ेगा। और ये तो एवरेज है, तो ये भी एवरेज में होना चाहिए। तो एवरेज ये 9 से भाग करने के बाद है ना, तो दिस इज 9 से भाग, 35 + 63 / 9, 35 × 9 = 67 कितना नहीं आया भैया? उसका रेट कितना था? दे के कितने आयो? तो 63 और देने पड़ेंगे ना। दे दिए, काम हो गया, मैंने पूरा भी समझा दिया। अब भी पल्ले ना पड़ा, आगे एक और सवाल कराऊंगा 10, उसमें समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा फिर मेरा जुगाड़ है पागलखाने में। बढ़े आगे, नौकरी में जुगाड़ नहीं है, नौकरी का जुगाड़ है मेहनत करो तुम, ना लगे तो हम कह रहे लिखित में ले लो, जैसा पढ़ा रहा हूँ 2 महीने पढ़ लो, GT वालों जाओ जितना पढ़ा उतना। अरे एकेडमी में भी क्यों भाई योगेश बाबू, एकेडमी में भी अगर गारंटी लेते हैं तो 18 घंटे पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, उठने बैठने देते हैं, सीधा जो कहना पढ़ 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 तब गारंटी लेते हैं। गारंटी ले ली योगेश बाबू, बहुत बोलेंगे, सातवें से निकलोगे, कैसी बात है? वो वास्तव में एक मेंटल प्रेशर है बहुत खतरनाक वाला। हाँ 2 महीने एक कोने बैठ के बताओ, इतना वो इतना पतला होता है टेंट वाला, और उसको दबा दबा के इतना पतला कर देते हैं, और खतरनाक वाली बदबू आती है। अगर तुमने ऐसे करके लेट गए और उसका नाक और वहाँ पे लग गई तो नींद ना आई रात में। अपना चाद मैं भी गया था 1 महीने के लिए, बड़ा बुरा हाल था, क्योंकि किस एरिया से कौन कौन कैसे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो उन्हीं पर चल रही है जिंदगी। और सुबह को उठ के तुमने गद्दे सही नहीं किए डंडा पड़ देगा, ग्राउंड से आके तुमने अपने कपड़े साइड से नहीं रखे तो डंडा पड़ेगा, हद तेरी की, खाना खाने के लिए लाइन से इधर उधर होगा तो डंडा पड़ेगा। हाँ जेल की तरह जाता है, कैदी तरह रहो थाली। हाँ मुर्गा मिल रहा है। चलो 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 35। बाद में देखा गया कि औसत परिकलन करने के समय एक संख्या 85 को का पढ़ लिया, ये तो रॉन्ग हो गया ना एवरेज, और आपको सही करना है, सही एवरेज करना है ना, तो एवरेज था कितना? अरे नंबर था 85, पढ़ लिया 45 तो 40 और देना पड़ेगा। अरे नंबर था कितना? 85, पढ़ कितना लिया तो आपको 40 रुपये और देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? अरे मेरे भाई जान, डिब्बी थी 20 रुपये की, कितने की? और बुढ़न ने दे दी 15 रुपये ही, तो 5 रुपये तुम दोगे ना दोगे, तो ये 5 कैसे आए? 20 में से 15 हटा के आए, नहीं आए तो हम कुछ और कर रहे का, प्रिंट कितने हो, दे कितने आए, तो 40 और दोगे ना दोगे तो हम कुछ और कर रहे। अरे 81 रुपये की चीज़ थी, 18 रुपये दे आए तो 63 और देने पड़ेंगे, नहीं है तो मैं ये चाह रहा कि 63 आए कैसे, 81 - 18 तो यही तो हम कर रहे, 85 - ये 20 रुपये जो 40 रुपये अंतर आ रहा है ना, ये कितने आइटम का है? 20 आइटम का, ये भी एवरेज, तो इसे एवरेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये एवरेज है तो इसे एवरेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस 35 और 40 / 20
तो 35 प्लस 2 30। अरे का कोई दिक्कत हो रही है, का आगे बढ़े? चलो देखो भाई जी का कह रहा 100 परीक्षणों का औसत है 35, यानी कि 100 का जो एवरेज है वो है कितना 35। बाद में पता इनके बाद में देखने चक्कर में हमारे सवाल बने को पहले देख लेते सवाल ना मन। तो बाद में देखा गया कि प्रेक्षण को गलती से 53 जगह का पढ़ लिया, भागते भागते जाओगे चचा 53 रुपया को जो 53 को तुमने लो 83 को कहोगे 30 दे, क्या कहोगे? और एक बात बताऊं 81 जगह 18 पढ़ लिया ना तो कतई नहीं जाओगे, और एक बात बताऊं 4-6 दे तो दुकान के आगे पीछे ना भटकोगे। मैं गलत कह रहा हूं तो बोलो, अगर 81 का प्रिंट 18 में चचा ने दे दिया तो तुम 4-6-8-10 दिन जब तक तुमको याद रहेगा तुम दुकान के साइड से भी ना निकलोगे, और निकलोगे तो ऐसे करके लिख कर जाओगे ये करके कहानी का। हाँ हाँ, और पढ़ लिए 83 की जगह 53, चचा 30 रुपया दो है। हाँ बस यही वाली बात है, समझो कि 100 प्रेक्षणों का औसत बाद में पता चला तो एवरेज तो 100 का ही रहेगा, दिस इज रॉन्ग दिस इज राइट। अगर एवरेज 35 भाई था कितना 53, पढ़ा कितना भाई तो 53 निकालो और 83 दो, ऐसे तो होगा, और कितने लोगों का है 100 का, एक तो है तो 35, 53 की जगह 83 पढ़ा गया है, सुनो 53 की जगह 83 पढ़ा गया है तुमने, सॉरी कहाँ कर दिया मैंने, अरे तुमने दिए कितने हैं 53, अरे सुनो इतनी बात तो कल पल्ले पड़ रही है, अब 53 की जगह 83 पड़ा गया, 53 की जगह इसका मतलब पता है क्या है, आपने लिए कितने 53, अरे 53 की बजाय 83 पड़ा गया है तो तुमको 30 रुपये मिलेंगे या तुम्हें देने पड़ेंगे? मिलेंगे, तो 53 तुम दे दो और 83 ले लो, बट्टा कितना, कितने लोग हैं 100, ये था 35 और ये था 30 बटा 100, तो 35 माइनस 0.3 अरे 0.3 आएगा नहीं आएगा, तो 35 में से 3 जाएंगे 34.7। ये मेरी बात को ध्यान सुनो भाई, प्रिंट कितना था 53 और आपने लिया कितना है, तो 30 रुपये आपको मिलेंगे कि आप दोगे? हमको मिलेंगे, हमको मिलेंगे, हमको मिलेंगे, तो भाई 53 रुपए, सुनो 53 रुपए देके आयो, लेकिन उसने ले कितने लिए हैं 83, आप देके कितने आयो लेकिन उसने ले कितने लिए हैं, तो वो 30 रुपए देगा नहीं देगा? आप कितने देके आए अब वो लेगा कितने, अरे बने कितने 83, तो आपको 30 रुपए मिलेंगे नहीं मिलेंगे? सॉल्व करके आंसर आ गया नहीं आया, और ऐसा समझ ना आए, ऐसा समझ ना आए तो जो बेसिक तरीका बताया था 100 का एवरेज 35, तो 100 का सम 3500 कितना आ जाएगा, तो 100 का सम 3500 तो था लेकिन इसमें से 30 घटा दो, इसमें से 30 क्योंकि 30 रुपये ज़्यादा जुड़ चुके हैं, तो कितना बचेगा 3400, और 3470 सम है ना, अगर एवरेज निकालना है तो 3470 को कैसे भाग कर दो 100 से, कितना आ जाएगा 34.7। ये करने की कोशिश मत करना बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई, है ना, आगे बढ़े। इसको देखो 35 बच्चों की कक्षा के औसत अंक कितने हैं 35, 35 का जो एवरेज है वो कितना है 35। आगे कह रहा है 35 अंक प्राप्त करने एक विद्यार्थी के स्थान पर गलती, मेरे हिंदी में आए 35 नंबर, मास्टर ने लिख दे 65, कहो जाओगे? कहता ही मास्टर आगे पीछे भटका होगा, खाली पैर छू करोगे दिख गए तो, और इतनी बारिश हो दबा दबा के कि मास्टर को ध्यान नहीं आवेगा कि मैंने नंबर ज्यादा दे दें जे गलत, तो इसे एवरेज सही करना है ना, तो 35 का जो क्या करना है एवरेज सही, एवरेज था कितना मेरी बात सुनो, तो 35 अंक कर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ने कितने लिख दिए हैं 65 लिख गए, तो कक्षा का सही औसत बताओ
तो देना सुनो, मास्टर ने दिए कितने? 65। और देने कितने थे? तो मास्टर ने 30 नंबर ज़्यादा दे दिए, तो 30 नंबर आपके घटे चाहिए, तभी तो एवरेज सही होगा, तभी तो आपका एवरेज सही होगा। सुन लो, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट 30 कह दूँ, लेकिन ये एवरेज है, ये सम है, तो ये कितने लोगों का? 35 का। ये तो आंसर आएगा? नहीं आएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, सवाल ये कह रहा है कि 35 बच्चों की कक्षा के औसत अंक 35 हैं, 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक गलती से कितने लिखे गए हैं? 65। अंक आए कितने थे? 35। और मार्टन ने कितने लिख दिए? यानी 30 नंबर ज़्यादा लिख दे, ना लिख दे? अरे 30 नंबर ज़्यादा लिख दिए, नहीं लिख दिए, तो क्या करोगे? मेरी बात सुनो, तो 30 घटेंगे नहीं घटेंगे? तो मास्टर ने सुनो, तो मास्टर ने बढ़ाए कितने हैं? 35, लेकिन घटाने कितने पड़ेंगे? 65। ये तो अंतर आएगा, यही तो अंतर आएगा, ठीक है। अरे ये देने वाले, ये निकालने वाले, सही वाला, और इनका एवरेज लोग कितने हैं? 35। तो 35 माइनस 30 बटे 35, 35 से थोड़ा सा कम, 35 से थोड़ा सा, ऑप्शन देख लो, देखो सुनो 35, 24 और ये तो घटेगा नहीं। अब बचते हैं ऑप्शन दो, 33.76। अगर ऊपर का 35 होता तो आंसर 34 आता, लेकिन क्या ऊपर का 35 है? तो आएगा आंसर 34 से ज़्यादा, क्योंकि सुनो, इसको नीचे करो, ये जो वैल्यू है 35, ये आएगी एक से कम, ये वैल्यू आएगी एक से, और 35 में से एक से कम घटाओगे तो अब बचेगा 34 से ज़्यादा। ये सिंबल होता है ज़्यादा का, ये सिंबल होता है कम का। हम पढ़ते हैं गणित समथिंग, 35 लोगों का एवरेज था, 30 नंबर घटाने पड़ेंगे, भाई 30 नंबर मास्टर ने ज़्यादा दे दिए हैं, 30 नंबर घटाने पड़ेंगे, लेकिन एवरेज कितने का है? 35 का। तो 30 को अगर 35 से भाग करोगे तो एक से कम मिलेगा। अगर ऊपर 35 होता, नीचे 35 होता, तो कितना मिलता? ऊपर है 30, नीचे है 35, तो मिलेगा एक से, और 35 में से एक से कम घटाओगे तो 34 से। और मेरी बात पल्ले ना पड़ रही है ना है? तो पता है क्या करियो? बता रहा हूं, तो करियो 35 माइनस 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 6 बटे, फिर लिखियो 6 हीन 7 हीन, लगाइयो पॉइंट, उतारियो जीरो, फिर 7 अट्ठे 56, बचेंगे कितने? पॉइंट लगो वो जीरो और बढ़ जाओ, 7 पंजे बचेंगे कितने? 35, बचे कितने? 5, फिर पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ, तो 5 5 5 चलते रहेंगे, फिर 8.5555 को लिख सकते हैं, 8.6 लिख सकते हैं, तई तुम लिखियो 35 माइनस 8.86, तई लिखियो 34.14। इतने में तो कई लाख वाला निकल जाओ, इतनी सी बात में कैलकुलेशन शुद्ध ना करी तो कई लाख बालक निकल जाए। वैकेंसी है 10,000, बालक बैठो 2 करोड़, कई लाख निकल जाएंगे ना, निकल जाएंगे। तो मेरी बात को समझो, यहाँ पे समझ लेते हैं भैया, जो एक से कमा रहा है कैलकुलेशन बच जाते हैं। ये कैलकुलेशन टफ है नहीं, अगर पेपर में करने बैठ गए तो पेपर के हिसाब से ड्यूएबल है क्या? पेपर के हिसाब से आपकी ये कैलकुलेशन ड्यूएबल है, करने लायक है? ड्यूएबल का मतलब होता है करने लायक, अंग्रेजी सीख लो थोड़ी थोड़ी। तो हम पता कैसे करेंगे? हद तरीकी, देखो 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 देखो, हम क्या करेंगे? हम करेंगे भैया बच्चों 30 बटे 35, जय बच्चों 35, जो बचाए एक से कम, जो बचाए एक से, तो 35 में से एक से कम घटाएंगे तो बचाए 34 से ज़्यादा, और 34 ज़्यादा एक ऑप्शन, तो उस ऑप्शन करेक्ट होना उसकी सही है। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो, इसको देखो, एक लड़के ने देखा 16 के स्थान पर क्या था? 16 लिख दिया, 45 और मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अगर 45 मिलेंगे तो एवरेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? एवरेज था 35, तो 35 से ज़्यादा हो जाएगा, जेले जेले जेले, सही है सही है सही है सही है ना? अरे मेरे भाई, मेरी बात सुनो, 16 की जगह ले लिए कितने? 61। 16 की जगह कितने ले लिए? सॉरी 61, 45 घटेंगे, 45 घटेंगे, तो 45 घटेंगे कितने लोगों को? 20 का, ढाई घट जाएगा, ढाई घट जाएगा। चलो मैं करा रहा हूं, अगर मिलते होते तो आंसर क्या हो जाता? 37। बीस संख्याओं का औसत कितना है? 35। 20 का जो एवरेज है वो कितना है? 35। अब ये तो गलत हो गया ना, सही क्या है? सही ये होगा कि 20 संख्याओं का एवरेज भाई 35, लेकिन 16 के स्थान पर लिखे कितने हैं? तो 45 घटेंगे नहीं घटेंगे? प्लस के 16 जोड़े गए हैं,
और 61 घटाने पड़ेंगे, 16 दुगुना। किस देखा कि 16 के स्थान पर क्या लिखने पर 61, 16 के स्थान पर क्या लिखे 61, तो 16 रुपए आप दे के आए हैं और 61, यही तो अंतर आएगा। और वैसे ना समझो तो कोई भी चीज़ 16 रुपए की थी, कितने की थी, और आप दे कितने आए हो 61, तो आप अगर उसके पास जाओगे तो इसलिए तो जाओगे 45 रुपए, भैया तुमने ज़्यादा ले लिए 45 रुपए, तो 45 तुम दे के आओगे, वो उससे लेके आओगे, उससे लेके आओगे नहीं है क्या, आओगे तो 45 रुपए आप लेके आओगे, तो लेकिन 45 रुपए लाओगे, लेकिन बात हो रही है एवरेज की, तो 45 रुपए हैं कितने लोगों में बटेंगे, 20 लोगों में, हर आइटम का एवरेज निकालोगे तो 20 लोगों में बटेंगे, ठीक है, बटा 20, 35 माइनस 45 बटा 20, देखो 20 दूनी 40, 2.25, क्योंकि सवा दो आएगा, यही तो आएगा, ढाई कब आता 50 होता, ढाई कब आता 50 होता, ना आए तो काट लेना छोटी छोटी, तो 35 में से 3 गए तो 32.75 ये आंसर है। करना ही सवाल, सेम सवाल है, लैंग्वेज चेंज है, बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, कैसे करें, सुनो, किसी विद्यार्थी के 6 विषय में प्राप्त, यानी कि जो 6 लोगों का जो एवरेज था कितना था, 88 कितना था, बाद में सत्यापन करने पे पता चला कि एक विषय में उसके अंक को गलती से 68 के स्थान पर क्या नंबर थे, कितने चढ़ाए कितने हैं मास्टर ने, सही मास्टर ने चढ़ाए कितने हैं 68, देखो ना 68 के स्थान पर 86 लिख दिया, तो 68 चढ़ा दिए माइनस 86, और नंबर कितने थे 6, यही तो थे, क्या 68 और 86 का अंतर 18 आएगा, लेकिन काय का, सही है, कोई दिक्कत हो रही, ये तो सेम सवाल है, 20 संख्या को से 35 तो करा भी चुका ना, सेम सवाल था ना, ऐसी लैंग्वेज थी, हो गए 40, कितने हो गए, ये वाला कौन सा देखना 46 है, अच्छा नंबर दिखते नहीं है, बढ़े आगे, छत्तीस विद्यार्थी का औसत अंक कितने, 52, बाद में पता चला कि 64 को क्या पड़ा, नंबर थे कितने, मार्टन ने दिए कितने, तो भैया 18 नंबर तुमको कम मिले, 18 नंबर अगर एवरेज को सही करना चाहते हो तो 18 और दो मास्टर साहब, ठीक है, तो 36 का जो एवरेज है 52, सुनो बहुत ध्यान से, किंतु बाद में पता चला कि पद 64 को गलती से 46, 64 माइनस 46, यही तो अंतर, अरे पहले वाली चीज प्लस दूसरी वाली माइनस, अंतर प्लस जैसा भी होगा भंडम निकल आएगा, और बटा कितना 36, बटा कितना 36, भैया 18 का अंतर है, ये 0.5 है, 0.5 है, 18 से 0.5 है नहीं है, तो कितना हो जाएगा,
52.5 इस सवाल को सही आंसर है गो। समझ में आ रही है ना आ रही है? नौ पूर्णांक को औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद देखा गया कि 23 को क्या लिख लिया, प्लस के 23 माइनस के अरे 9 कितने 9, तो तुम्हें 9 मिलेंगे, 9 देने पड़ेंगे, थे तुम्हारे 23 और चढ़ा दिए कितने 32, तो 9 नंबर ज्यादा चढ़ा दिए, 9 नंबर, अगर 9 नंबर ज्यादा चढ़ा दिए तो 9 नंबर कम कर दो, एवरेज सही आ जाएगा। सेम सवाल है, कोई दिक्कत रवि बाबू, कोई दिक्कत ना हो रही, बता दियो 10 आंसर आ जाएगा या कराऊं? चलो आगे फिर, इसको देखो, 100 पदों का औसत कितना, जब एक मत को 50 गलत, थे कितने 50, लिख कितने दे 60, तो 10 कम करोगे ना करोगे, 10 कम करोगे तो 10 करोगे, 10 में कम 79 नहीं आओ, 10 का जो एवरेज था वो कितना था, ये तो गलत हो गया ना, तुम्हें करना है सही, तो 10 का जो एवरेज आया, मेरी बात को ध्यान सुनना, 80 तुमने चढ़ाए कितने दे 50, सुनो एक मत को 50 की जगह 60 गिन लिया है, थे कितने, गिन कितने लिए, तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, तुमने चढ़ाए हैं 50 प्लस, पहले वाली प्लस कर दो, माइनस 60, अंतर कितने का है, काश ऐसा मत कर दियो, डंडा हीन तक कर दे, तो तुम्हारे तो तुम ऐसे कर दो तो हम कर देंगे, ऐसे नंबर जगह 1 0 थे लगा दें, लियो जब कुछ फर्क ना पड़ता है तो एक है तो जी है तो एक के पास है, मैं लो इतना को ढाई लगा दो, समझ में आई ना, तो नंबर कितने मिलेंगे 10, तो ये जो क्योंकि ये 80 एवरेज है, इसको एवरेज में कन्वर्ट करना है, तो 80 माइनस 10 बटा 10, 80 माइनस 1 79 छे, कोई दिक्कत आपत्ति विपत्ति, सही है। इस सवाल को और देखो, एक परीक्षा के 100 छात्रों के प्राप्तांकों को औसत गणना में उसका श्रेणांक गलती से 86 की जगह 68 लिखा गया और 58 औसत प्राप्त कर लेता है, तदनुसार छात्रों का वास्तविक प्राप्तांक क्या है, गणना पर 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों की गणना से उसका श्रेणांक गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर दिया और 58 औसत प्राप्त कर लिया, यानी कि 100 का जो एवरेज है वो कितना है 58, 100 का एवरेज कितना है, लेकिन भाई साहब गलत हो गया, इसको करना क्या है सही, तो ये हो गया 100 का एवरेज था तो 58, मेरे भाई कहे कह रहा है 86 को कर दिया 68, थे कितने 86, थे कितने और लिख कितने दे, अब बटा 100, बटा 100, अब प्लस माइनस है, प्लस माइनस को लोचा भी ना, अपने आप आ जाएगा, जो वैल्यू चढ़ाई है वो प्लस कर दो, जो घटाने हैं वो माइनस कर दो, लियो 58 भैया अंतर कितना आ रहे हो, प्लस को 6 ऊपर के और 12 नीचे के 18 बटा 100, तो 58 प्लस पॉइंट 18 और 58 में से कितने निकालोगे, पॉइंट 58 हाँ, तो 58.18, ये सवाल का आंसर क्लियर हुआ, कोई दिक्कत कोई आपत्ति हो गया, 10 क्वेश्चन निपट गए, कोई आपत्ति कोई विपत्ति ना है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।